बायते थाना देहली गेट क्षेत्र के वसुंधरा कॉलोनी और नवमान कॉलोनी में रास्ता खोलने के लिए एक भारतीय सेना से रिटायर सैनिक के मकान पर पथराव कर दिया है, जिससे कि मकान के शीशे और गेट को पब्लिक के तोड़ दिया, जिससे पूर्व सैनिक का परिवार भयभीत है और मकान का काफी नुकसान हुआ है। वसुंधरा कॉलोनी के लोगों ने बताया कि यह रास्ता आवंटन कॉलोनी की सरकारी रास्ते पर खुलता है, जिसको लेकर नवमान कॉलोनी के लोग रास्ते को लेकर विरोध करते हैं और बैरिकेटिंग को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। थाना देहली गेट पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या मामला हुआ था यहाँ? ये परसों हुआ था। क्या मामला हुआ था? सर जी, हमारी कॉलोनी पूरी बंद कॉलोनी है। ये रास्ता जो है सरकारी रास्ता है इस कॉलोनी के लिए जी। ये नवमान कॉलोनी है जी। इनका निजी रास्ता अपना सरकारी गवर्नमेंट का रास्ता है कि इसको छोड़ के हमारी कॉलोनी से निकलने के प्रयास करते हैं बार बार, और ये चाहते हैं कि हम इसी को यूज़ करें। और जबकि पूरा रास्ता आप कोई भी गली दे सकते हो, यहाँ से वहाँ तक सब बंद है। सिर्फ पुराने टाइम पर इनकी ईंटें निकाल ली गई हैं और रास्ता हमारा कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का बाकायदा हमारे पास कोर्ट के आदेश भी हैं, उन्होंने आदेश में दे रखा है जो साहब ने बंद करने के लिए, है ना। और दिक्कत ये है कि पीछे से इकट्ठे होकर आ जाते हैं। परसों यहाँ पथराव हुआ, पंडित जी का पूरे मकान को तहस नहस कर दिया, आप देख सकते हो सारा टूटा पड़ा हुआ है। और बच्चे इनके अकेले थे, ये ड्यूटी पे थे, इतने बुरी तरीके से परेशान हो गए बच्चे, इनको ऐसा लगा पता नहीं क्या कर दिया करते। और बहुत ये मानो कि 100 की कम से कम 100-150 आदमियों की संख्या में यहाँ पर पहुँच गए थे सारे आदमी इकट्ठे हुए, और जबरन करते हैं सर, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। हमने अभी से रिटायर हूँ, एक सर्विसमैन हूँ, 16 साल में आर्मी में जॉब करके आया था, अभी बीएनबी में जॉब कर रहा हूँ। बार बार ये जॉब के नाते मुझे टारगेट बनाया जाता है, जिससे कि इसकी जॉब छूटे और इसका कुछ नुकसान हो और बच्चों पर खतरा बना रहे। और बार बार बच्चों को धमकी दी जाती है, गालियाँ भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती हैं इधर से औरतों की तरफ से। इधर के आदमी औरतों को आगे कर देते हैं, मेरा घर कोने पर होने के कारण मुझे ही टारगेट बनाया जाता है, जिससे जबकि मेरा कोई इनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन घर कोने पे होने के कारण जैसे चीन पाकिस्तान का बॉर्डर है इस तरह से बना रखा है, मानसिक तौर पे इतना उत्पीड़न कर रखा है कि मेरी घरवाली बेहोश हो गई थी। चलिए साहब का, मैं पूर्व सैनिक मनीष पाल सिंह। ये कौन सा क्षेत्र है? वसुंधरा कॉलोनी से। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यह है साहब कि ये आम रास्ता नहीं है, ये एक कॉलोनी की गेट बंद कॉलोनी थी। शुरुआत में यहाँ पे दीवार थी, उसको तोड़ के आम रास्ता बनाया गया। जब लॉकडाउन के दौरान प्रशासन से मंजूरी लेके इसको हमने बंद किया, तो यहाँ पे आए दिन नवमान कॉलोनी से लोग आते हैं और गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, साथ ही जितेंद्र सिंह को परेशान किया जाता है। तो अभी FIR हो चुकी है, देखते हैं प्रशासन हमारी कितनी मदद करता है। हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि हम सब कॉलोनी वासियों की प्रशासन मदद करेगा और एक सैनिक को मदद करेगा।